स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर कंपटीशन। ठीक है, मैंने मैथ्स को थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इजी तरीका है। सब मैथ्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया? थ्री पार्ट में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट होता है फॉर्मूला, देन थर्ड होता है अप्लाई करना, अप्लाई करके उसको फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाना, ठीक है। अब बहुत बच्चों का कैलकुलेशन पार्ट वीक होता है, किसी को फॉर्मूलेज नहीं आते, किसी को कुछ कुछ आता है, अप्लाई करना नहीं आता। तो ये सारे पार्ट्स क्लियर होना बहुत कंपलसरी है। इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो 50% कैलकुलेशन का होता है, कि अगर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक अगर आप करते हो तो आप हर जगह टके टके चलोगे। फॉर्मूला 30% इसका वेटेज है, फॉर्मूला आना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि जब तक फॉर्मूला नहीं होगा आप क्या अप्लाई करोगे, कैलकुलेशन किसकी करोगे। अप्लाई करने का मीन्स है उसको क्वेश्चंस को समझना, पहले आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। उसको टू टाइम कम से कम उसको टू टाइम रीड करो। अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हो तो क्वेश्चंस को टू टाइम रीड करो। एक एक वर्ड्स को पूरी इंपॉर्टेंस अपने को देनी है, क्योंकि उस वर्ड से अपना अपने को पूरी थीम बनानी होती है दिमाग में। अदरवाइज अगर आप जंप लगा लगा के क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। उस क्वेश्चन के अपने को क्या करना है, उसको अच्छे से रीड आउट करना है, अप्लाई करना। अब मैं बात करती हूँ कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन क्या होती है? कैलकुलेशन में आता है जोड़, बाकी, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं ट्रांसपोज जिसको बोलते हैं, पक्षांतरण करना। ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपको आनी ही आनी चाहिए। बोर्डमास का रूल लगाना, ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन में आता है। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के भी अनलिमिटेड फॉर्मूले आपको मिलेंगे। आपको उन फॉर्मूलों को समझ समझ के लर्न करना है, याद करना है और हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन पार्ट। बिल्कुल जीरो लेवल का है कैलकुलेशन पार्ट। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, बहुत बच्चे साइन को लेकर कंफ्यूज होते हैं। किसको लेके कंफ्यूज होते हैं? साइन को, चिन्ह को लेकर कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे कि आपको पता है प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस माइनस या माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। और यहाँ पे साइन किसके लगते हैं, देखो अगर प्लस प्लस होगा तो आपको पता है कि जब प्लस प्लस है तो प्लस ही लगेगा, ठीक है, और माइनस माइनस है तो साइन माइनस का लगेगा। प्लस माइनस और माइनस प्लस में क्या होता है, जो आपके जो नंबर आपका जो बड़ा होता है, जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन लग जाता है, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं याद करने में, ठीक है। तो उसको भी एक बेसिक एग्जांपल से याद करो कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, प्लस का मतलब है उसको प्रॉफिट, उसको मिलना। अब उसको ना जब वो कहीं भी जाता है तो उसको कभी 10 रुपीज मिल जाता है, कभी 30 रुपीज मिल जाता है, कभी गिरे हुए 15 रुपीज मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी इंसान को मिल रहे हैं तो उसको उसका जो मिलना है वो बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल नॉन स्टॉप बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि कोई नंबर आपको प्लस ही प्लस होते जा रहा है, आपको सब अच्छा अच्छा होता जा रहा है, तो प्लस होगा साइन में हमेशा अच्छा, पॉजिटिव साइन मीन्स अच्छा साइन, ठीक है, प्लस का साइन। नेगेटिव का मीन्स होता है आपके पैसे घूमते ही आ गए, कभी आपके पैसे कभी 10 रुपीज गिर गए, कभी 50 रुपीज घूम गए, ठीक है, कभी 40 रुपीज आपके घूम गए, ठीक है, मतलब गिर गए घूम गए कुछ भी हो गया, तो आप नेगेटिव, आप बिल्कुल नीचे जाते जा रहे हो, ठीक है। यानी कि जो अमाउंट है ना वो तो बढ़ गया, अमाउंट तो बढ़ गया, जैसे मैं आपको बोलूं 10 रुपीज घूम गए, 50 रुपीज भी हो गए, 40 रुपीज भी हो गए, तो आप क्या बोलेंगे, यार 100 रुपीज हो गए, ठीक है। तो ये 100 रुपीज आपका जो अमाउंट है, अमाउंट तो बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ ही बढ़ेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, हमेशा माइनस माइनस भी प्लस होता है, क्योंकि एक ही चीज आपके साथ बार बार होती है तो वो प्लस ही होती है। एक ही गलती करोगे तो गलतियां बढ़ती है, अच्छाई करोगे तो अच्छाई बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए हमेशा होता तो एडिशनली साइन किसका लगता है, माइनस का, फिर होता है प्लस माइनस, यानी कि आपके साथ अच्छा बुरा दोनों हो रहा है। यानी कि आप मार्केट जाते हो 50 रुपीज आपके गिर गए गलती से, गिर गए मीन्स माइनस, और आपको 60 रुपीज कहीं पे मिल गए, ठीक है। तो जब प्लस माइनस जब दो साइन होते हैं तो आप क्या करते हो, उसको बैलेंस करते हो, यार 60 रुपीज गिर गए, सॉरी 50 रुपीज गिर गए, 60 रुपीज मिल गए, तो आप क्या बोलेंगे, यार फिर भी 10 रुपए का फायदा है, तो आपने क्या किया, बैलेंस किया। तो जब भी बैलेंस की बात आती है तो हमेशा माइनस करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर क्या करता है, माइनस करते हैं,
और उसके ऊपर साइन किसका लगता है, जो बड़े नंबर का साइन होता है। अब देखो अगर आपको 60 रुपीज आपके गिर जाते हैं, 50 रुपीज आपको मिलते हैं, तो आप बैलेंस करो सबसे पहले तो कि हुआ क्या, कितना मेरे पास बचा। तो आप बोलेंगे यार 10 रुपीज का नुकसान हो गया। नुकसान क्यों, क्योंकि जो आपके गिर रहे हैं, जो आपको नेगेटिव अमाउंट है वो ज्यादा है, यानी कि बड़ी संख्या आपकी नेगेटिव है, इसलिए साइन कौन सा लग गया, नेगेटिव। तो बिल्कुल ये बेसिक आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस भी प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, जब भी दो दो साइन एक साथ चलते हैं, गिरना उठना, तो समझ जाओ बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के माइनस लगाते हैं, और जो आपका नंबर होगा फाइनल जो साइन होगा वो डिपेंड करता है नंबर पे। अब याद रखो यहाँ तो दोनों आपकी वैल्यू पॉजिटिव थी इसलिए पॉजिटिव हो गया, यहाँ दोनों वैल्यू नेगेटिव थी इसलिए बड़ी संख्या हो जो छोटी संख्या हो दोनों माइनस की हुई है। प्लस माइनस या माइनस प्लस में देखेंगे तो बड़ी वैल्यू जो आपकी होगी उसका साइन आपको चेक कर लेना है। ये है आपका प्लस माइनस। बहुत बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आप कुछ लोग नहीं होते बट कुछ लोग होते हैं, ठीक है। -10 -10 इनकी माइनस का 20, इनकी आपके ग्रुप में गिरते गए 10 रुपीज गिर गए, 10 रुपीज और गिर गया, तो कितने रुपीज गिरे, 20 रुपीज। साइन किसका आएगा, माइनस का। अमाउंट तो बढ़ गया लेकिन माइनस के साथ बढ़ेगा, नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। 10 रुपीज प्लस और 10 रुपीज प्लस, 20 रुपीज प्लस के, ठीक है, 20 प्लस के और 10 माइनस के। आप बोलेंगे फिर भी 10 रुपए आप फायदे में, क्यों 20 रुपए आपको मिले, 10 रुपए गुम गए तो भी 10 रुपए का फायदा है। 20 गिर गए और 10 मिल गए तो आप बोलेंगे 10 रुपीज का नुकसान। तो जब भी नुकसान लगता है तो नेगेटिव से साइन का हमेशा ध्यान रखना है। प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 20 में से 10 माइनस के 10 आ गए, ठीक है, बड़ी वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव साइन लग गया। प्लस माइनस माइनस किया, 20 में से 10 माइनस के 10, बड़ी वैल्यू जिसका है उसका साइन आ गया, ठीक है। ये तो था एडिशन सब्ट्रैक्शन। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, साइन का क्या है, मल्टीप्लाई भी है जो सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। साइन क्या होता है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही रहेगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्लस आता है, लेकिन प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस। यानी कि आप ऐसे देखो कि मल्टीप्लाई अलग चीज है कि कर लिया, लेकिन साइन, साइन देखो, माइनस अगर कोई साइन आपको दिखाई दे रहा है तो माइनस को माइनस ही कैंसिल करेगा, प्लस कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको पता है कि माइनस और प्लस दो साइन एक साथ आ रहे हैं, माइनस 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाई तो कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन देखो ये माइनस कैंसिल हो पाएगा, माइनस को माइनस हट पाएगा, माइनस कब हटेगा, जब एक और माइनस होगा, तो माइनस हट ही नहीं पाएगा, तो फाइनल आंसर माइनस का 12। माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो माइनस से माइनस हट, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहेगा, माइनस को हटाने के लिए एक माइनस और सी होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। कितना हो गया 9, और 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9, जब माइनस ही नहीं तो फिर माइनस क्यों आएगा, ठीक है। तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आना ही है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि कैंसिल हो जाता है। और अगर एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव आती है तो माइनस रहेगा, क्यों, उस माइनस की जो पावर है, माइनस की पावर इवन, अगर इवन पावर होती, इवन मतलब सम पावर, अगर सम संख्या, सम टाइम अगर माइनस आता है तो माइनस कट जाता है, और माइनस अगर ओड टाइम, ओड मीन्स विषम टाइम, विषम मतलब जैसे माइनस 3 की पावर 4 है तो फाइनल आंसर किसका होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों, ये माइनस 4 बार, आप माइनस 4 बार आएगा तो 4 बार आने का मतलब क्या है, 2 से 2 वाला कट जाएगा, एक माइनस इस माइनस से कैंसिल, एक माइनस इस माइनस से कैंसिल, ठीक है। यानी कि जब भी इवन नंबर होता है तो पेयर बन जाता है, माइनस 3 आ रहा है 3 टाइम तो आपका आंसर किसका होगा, माइनस का, क्योंकि एक माइनस बच जाएगा, 3 जो माइनस के साइन थे ये तो इससे कैंसिल हो गया बट एक माइनस बच गया। तो ये बिल्कुल बेसिक होता है, आपको पता होना चाहिए इसमें क्या दिक्कत है। चलिए मल्टीप्लाई हो गया, अब करते हैं देखो इसमें एक डिवाइड का क्या होता है, जैसे 1/3 है, इसको डिवाइड करना है 3/4 से, ठीक है। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये होता है, अब आपको फ्रैक्शन को ऊपर भेजना है ना, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आपका जो डिवाइड और मल्टीप्लाई में क्या रिलेशन है। जब भी आपको डिवाइड मिलता है, आप चाहते हो कि डिवाइड हट जाए, तो आप क्या कर सकते हो, जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, उसको आप उल्टा कर दो, उसको उल्टा कर देंगे तो आप साइन चेंज कर सकते हो।
ठीक है, बहुत बार बच्चे सोचते हैं डिवाइड आ गया क्या करें, नीचे भेजेंगे ऊपर आएगा कि गलत नहीं हो जाए, तो आप क्या कर लो डिवाइड आ रहे हैं ना तो उसको मल्टीप्लाई लिख दो और उसको वैल्यू को उल्टा कर दो। ठीक है, ये भी बिल्कुल बेसिक होता है, आपको पता होना चाहिए ऐसा सब कुछ। फिर आता है ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज करना इनकी पक्षांतरण करना। पक्षांतरण कैसे करते हैं, अब देखो पक्ष का अंतर, पक्ष का अंतर मतलब होता है कि दो पक्ष होते हैं, एक एलएचएस एक आरएचएस, यानी कि एक तो दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। ठीक है, पक्षांतरण करने का मतलब वैल्यू इधर से इधर जाना। ठीक है, अगर नॉर्मल वैल्यू जैसे एक्स प्लस फोर है या फोर प्लस एक्स है, इसको पक्षांतरण नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ टर्म्स आपकी चेंज हुई है, इंटरचेंज हुई है। पक्षांतरण बोलते हैं इक्वल क्रॉस करना, इक्वल से इधर उधर होना, उसको बोलते हैं पक्षांतरण। ठीक है, आपको लगना चाहिए कि कोई टर्म मेरी पहले एलएचएस में थी वो आरएचएस में आ गई है, आरएचएस के एलएचएस में जाती है, तब उसका साइन चेंज होता है, उसको बोलते हैं पक्षांतरण, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करते समय क्या होता है, ट्रांसपोज करते समय साइन कैसे चेंज होता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होता है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होता है, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाता है, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। यह है पक्षांतरण का रूल। ठीक है, अब इसमें एक बेसिक चीज और है कि जब भी पक्षांतरण करते हो तो किसी को भी कभी भी कर सकते हैं क्या, नहीं। आपको इस स्टेप पर ध्यान रखना है कि हमेशा जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है उसका पक्षांतरण पहले होता है, जैसे कि 3x plus 4 is equal to 10। ठीक है, अब मुझे पक्षांतरण करना 4 और 3 का, तो पहले किसका करें, अगर आप गलती से 3 का पहले कर देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाना है, तो आपको क्या करना है, पहले 4 का ट्रांसपोज करना है। ठीक है, अब कैसे याद करना है इस चीज को, देखो प्लस माइनस का जो साइन है ना वो दूर के साइन होते हैं, दूर का मतलब जैसे घर में जब शादी होती है अपने कौन होते हैं, अपने घर वाले। ठीक है, जैसे चाचा चाची बुआ फूफा जी मौसी मौसादी मामा मामी तो अपने होते हैं, और दूर के कौन होते हैं, जो दूर के रिश्तेदार होते हैं। तो दूर के कैसे आते हैं, दूर के दूर ही रहते हैं, लास्ट में आते हैं पहले जाते हैं, लास्ट में आते हैं पहले जाते हैं। तो प्लस माइनस का जो साइन है ना वो पहले जाते हैं, उसको पहले जाने की लगती है जल्दी, तो पहले कौन जाएगा, 4। 3x is equal to 10 minus 4, 6. देर अब किसका नंबर आएगा, 3 का। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड जो साइन होता है ना बिल्कुल क्लोज साइन होते हैं, जैसे कि क्लस की बाउंड्री आती है ना, बिल्कुल क्लस की बाउंड्री किसको बुलाते हैं, जो बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, बट जाना तो सबको पड़ता ही है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड क्या है, क्लस की बाउंड्री होती है। ठीक है, बट जाना तो पड़ेगा। ठीक है, अब फाइनली अब एक्स क्या बोलते हैं, 3 को, अब तुम भी जाओ, तो ये जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में। आपको इतना तो पता ही है कि साइन चेंज होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस प्लस, यू गेट 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2। अब गलती कैसे करते हैं, देखो गलती ऐसे होती है कि बच्चे इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, उनको पता नहीं रहता आधी बातें कि क्या करें कैसे करें, डर इतना लगता है उनको मैथ्स के नाम से, डर इतना लग जाता है कि उनको समझ नहीं आता कि पहले किसका करें, तो 3 का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं वो, एक्स प्लस 4 और 10 की डिवाइड में 3 को भेज देते हैं, वो सोचते हैं मल्टीप्लाई में, चलो भेज दो डिवाइड में, ये देखो। फिर वो 4 का ट्रांसपोज करते हैं, तो 10 अपॉन 3 4 माइनस में जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया, एलसीएम लेना पड़ेगा, माइनस का 2 अपॉन 3। देखो कहां आंसर 2 आ रहा था, कहां माइनस 2 अपॉन 3 आ रहा है, बताओ आंसर दोनों सेम हो सकते हैं कि एक बार में, आंसर तो एक ही होगा। ठीक है, तो आपको चेक करना है कौन सा सही है, तो ये वाला सही है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि पहले किसका ट्रांसपोज होता है, बोर्ड मास में रूल अलग चलते हैं, बोर्ड मास जब अपन पढ़ते हैं तो वहां ही पढ़ते थे कि कोष्टक पहले सोल्व करना है, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई सोल्व करना है, फिर प्लस माइनस सोल्व करना है, ये बोर्ड मास का रूल बोलते हैं। और ट्रांसपोज में उल्टा जाता है, ट्रांसपोज में क्या होता है, इस वाले साइन को पहले सोल्व करते हैं और इस वाले साइन को बाद में ट्रांसपोज करते हैं, ये बिल्कुल अपोजिट है बोर्ड मास का रूल और ट्रांसपोज करना, इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर बच्चों को सिर्फ ये याद है तो यहाँ गलती करेंगे, ये याद है तो यहाँ गलती करेंगे, तो आपको दोनों का ध्यान रखना, दोनों में अपोजिट चीजें चलती है। ठीक है, बोर्ड मास में तो क्या होता है, वहां पे तो ओनली एक एक ही टर्म होती है, वहां पे आरएचएस एलएचएस नहीं होता, वहां पक्षांतरण नहीं होता, तो वहां के सबसे पहले सबसे बड़ी चीज को अपन प्रायोरिटी देते हैं, तो सबसे बड़ा होता है वहां पे कोष्टक को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि आपका सबसे क्लोज होता है, सबसे बड़ा साइन होता है, फिर प्लस माइनस को लास्ट में सोल्व करते हैं,
लेकिन जब भी ट्रांसपोज की बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस दूर के साइन होते हैं, इनको पहले विदा कर दो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये छोटी छोटी चीजें, कोई बताता नहीं है, इसलिए बच्चे बहुत गलती करते हैं और उनको मैथ्स बुरी लगने लग जाती है। मैथ्स बुरी नहीं होती है, उनको लगने लग जाती है क्योंकि वो छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप हमेशा याद रखना ट्रांसपोज हर जगह आता है, हर हर क्वेश्चन पर ट्रांसपोज आ ही जाता है कहीं ना कहीं। आपको पता होना चाहिए पहले प्लस माइनस और ट्रांसपोज करना है और फिर जो वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड है उसका ट्रांसपोज करना है। चलिए ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे एक्स अपॉन टू है, इधर वन अपॉन फाइव है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि इक्वल तो इक्वल ही रहेगा लेकिन ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनकी एक्स को तो फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, टू को वन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई। सपोज एक्स प्लस वन अपॉन थ्री है, मतलब वन अपॉन फाइव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस में जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फाइव इससे मल्टीप्लाई होने का मतलब पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता किसी के साथ। ठीक है, तो फाइव एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री। अब आप इसको सोल्व करना है। अब देखो इस वाले फाइव को पहले ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि प्लस माइनस में किसके साथ, एक्स के साथ, वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो फाइव एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस फाइव माइनस का टू, फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस का टू। देन फाइव का ट्रांसपोज करेंगे तो फाइव कहाँ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि पहले कहाँ था मल्टीप्लाई में, तो कहाँ चला गया, डिवाइड में। ओके, चलिए और बेसिक्स की बात करते हैं, ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आते हैं एलसीएम लेना, एलसीएम लेना सबको आना चाहिए। एलसीएम कब लेते हैं, जब डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन, जब डायरेक्ट नहीं होता ना, जब डायरेक्ट बात नहीं बनती ना, तो एलसीएम ले लेते हैं। जैसे वन अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन फाइव, आपको पता है कि इसको मैं डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि आप थ्री अपॉन एट लिख दो, ये गलत है, ऐसा प्लस नहीं होता कि ऊपर ऊपर वाले प्लस कर दो, नीचे नीचे वाले प्लस कर दिया, ये गलत है, ऐसा प्लस नहीं होता। यहाँ लेना पड़ता है एलसीएम, क्या लेना पड़ता है एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम होगा 15, यानी कि इसकी टेबल इसकी टेबल में, इसके पहाड़े में ऐसा नंबर जो सबसे पहले आता हो कॉमन। ठीक है, आप तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख दिया करो, कोई गलत नहीं होगा। 15 इसका एलसीएम आ गया, इसको पहले पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, दो साइन चलते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, याद कर लो इसको अच्छे से, मल्टीप्लाई डिवाइड कभी नहीं देखा आपने, हमेशा सबसे जब भी लिखते हो तो डिवाइड मल्टीप्लाई लिखते हैं बस। इसको इससे डिवाइड किया फाइव टाइम, फाइव को वन से मल्टीप्लाई किया फाइव, इसको इससे डिवाइड किया थ्री टाइम, थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया सिक्स, इलेवन अपॉन फिफ्टीन। एलसीएम लेना भी आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चे समझ नहीं पाते डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो प्लस करो क्या करो। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई पता होना चाहिए आपको। अब एक बेसिक रूल और बता देते हैं, जैसे वन वन अपॉन थ्री प्लस टू वन अपॉन फाइव प्लस थ्री वन अपॉन टू, ऐसा कोई नंबर है, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, जो फ्रैक्शन है वो मिक्स हो रखा है, कैसे हो रहा है, मिक्स हो रखा है, तो आप उसको ऐड करना है। तो बहुत इसके दो तरीके करने के, आप पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो, थ्री वन फोर अपॉन थ्री, फाइव टू जो टेन, इलेवन अपॉन फाइव सिक्स, सेवन अपॉन टू, फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या होता है, ये जो नंबर है होल नंबर इसके अंदर है, सभी होल नंबर एक साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और सभी जो फ्रैक्शन नंबर है वो एक साथ ऐड हो जाएंगे, आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। थ्री टू थ्री सिक्स हो गया, और इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, थर्टी एलसीएम आगे, देखो इसको मल्टीप्लाई तीनों को गुणा कर दो, फाइव फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन टू जो थर्टी, इसको सीधी वाइट के टेन मल्टीप्लाई किया, इसको सी डिवाइड किया सिक्स, सिक्स को वन से मल्टीप्लाई किया सिक्स, इसको सी डिवाइड किया फिफ्टीन टाइम, फिफ्टीन को वन से मल्टीप्लाई किया फिफ्टीन, सिक्स इसको ऐड कर लो, फाइनल आंसर होगा सिक्स थर्टी वन अपॉन थर्टी। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना भी आना चाहिए, आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, या चाहो तो आप जो होल नंबर है सबके होल नंबर एक साथ एड कर लो, जो फ्रैक्शन नंबर है उनको सबको एक साथ सॉल्व कर लो। इसमें अगर साइन नेगेटिव आ जाते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करोगे, आपका जो होल नंबर है उनको एक साथ लिख लो,
और आपके जो फ्रैक्शन नंबर है उनको एक्सट्रा लिख लो। बस साइन देखो, इन दोनों के बीच में साइन नेगेटिव था तो होल नंबर के बीच में भी नेगेटिव साइन रहेगा और फ्रैक्शन के बीच में भी नेगेटिव साइन रहेगा। सो वैसे ही करना, ये माइनस का बना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 15। चलिए नेक्स्ट बेसिक टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक्स में बेसिकली आता यही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एलसीएफ एलसीएफ बोर्ड मास। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था फटाफट कैसे सॉल्व करना है, जो होल नंबर है जो पूर्णांक संख्या है उनको एक साथ लिख लेंगे विथ साइन, साइन का ध्यान रखना है, प्लस प्लस प्लस, तो सारे पहले प्लस की है और 2/5, 1/4, 1/3 इनको एक साथ लिख लिया। ठीक है, इनको एक साथ सोल्व कर लेंगे, अब योगे 10/17, वही जगह आपको एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा देखो, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 5, 4, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 5, 20 और 20 और 3, 20 × 3 किया 60, इसको इससे डिवाइड किया 12 times 24, इसको इससे डिवाइड किया 15 times 15, इसको इससे डिवाइड किया 20 times 20, 20 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों किया मैंने, देखो इसको इससे डिवाइड किया 12 times और 12 times 24, चलिए ये जगह आपको 17, इनको प्लस कर लेंगे तो 9 upon 16। ठीक है, सेकंड इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, जो होल नंबर है उनको एक साथ लिख लेंगे, 2 − 3 + 5 विद साइन, साइन का ध्यान रखना आपको, और जो फ्रैक्शन नंबर है उनको भी एक साथ लिख लेंगे, 1/5, 2/3, 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट कैसे सॉल्व करना है। देखो प्लस प्लस, देखो 5 × 2 = 7 हो गया, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 5 × 3 = 15, 30, इसको सी डिवाइड के 6, 6 × 6, इसको सी डिवाइड के 10 times 10 = 20, इसको सी डिवाइड किया 15 times 15 = 15, इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 20 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 5, 6 में से माइनस का 5 किया तो +1, तो ये 4/1/30। अब यहाँ देखो, यहाँ लगता है बोर्ड मास, अब यहाँ पे आप वो मत लगाना ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोज नहीं हो रहा, क्योंकि सब वैल्यू इक्वल के एक ही साइड है, यहाँ पे RHS LHS कुछ भी नहीं है, तो यहाँ बोर्ड मास का रूल लगेगा। तो पहले बोर्ड मास क्या बोलते हैं, पहले कोष्टक सोल्व करो, यहाँ देखो मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है और कोष्टक भी है। ठीक है, तो पहले किसको सोल्व करना है, कोष्टक, अब कोष्टक के अंदर जो भी है उसको सोल्व करना है, तब के लिए 4, 4, 0 तो ऑलरेडी रहेगा, इसको सोल्व किया तो 28। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखना है। सेकेंड देखो, यहाँ देखो, यहाँ प्लस भी है और डिवाइड भी है, प्लस भी है डिवाइड भी, तो पहले किसको सोल्व करना है, डिवाइड को, तो आपके लिए 4, 4, 1 तो ऑलरेडी रहेगा, इसको इससे डिवाइड किया, फिर कितने टाइम डिवाइड हुआ, 39, फिर इसको 13 इसमें प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 454। तो ध्यान रखना आपको कि पहले किसको सोल्व करना है, यहाँ ट्रांसपोज नहीं हो रहा और कोई याद कर ले कि नहीं मैं तो पहले इसको ट्रांसपोज करूंगा तो पहले इसको सोल्व करना है, नहीं, यहाँ पे बोर्ड पास का रूल लगेगा। ठीक है, यहाँ देखो ये एक दूसरे के डिवाइड में है, तो आप बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे 10/30 है, ये 1/3 होता है, ठीक है, मानते हैं ऐसा कैंसिल होता है, लेकिन अगर 10/30 + x है तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल तभी होता है जब ऊपर सिंगल टर्म नीचे भी सिंगल टर्म हो। यहाँ देखो बेटा, ये 10 जो 10/30 है, आप अगर इसको ऐसे कैंसिल कर दोगे तो x क्या करेगा, x के ऊपर का 10 कहाँ गया, 30 सिर्फ 10 के ऊपर नहीं, तो आप उसको इससे कैंसिल करो, x के ऊपर भी 10 है, तो ऐसे कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, पूरा ये सिंगल टर्म होना चाहिए, ये भी सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ पे बंटवारा हो रखा है, दो लोग हैं यहाँ पे, प्लस माइनस का मतलब आपको बताया था ना डिस्टेंस, तो इनके बीच में बहुत डिस्टेंस है, ये एक नहीं है, अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई होता ना कैसे 10/30x, तो जरूर आप कैंसिल कर सकते थे। क्यों, क्योंकि जो मल्टीप्लाई का जो साइन होता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई बहुत क्लोज साइन होते हैं, वो सिंगल टर्म शो करते हैं, जैसे 4 × 3 लिखते हैं, ठीक है, तो 12 बन गया, लेकिन 4 × x करते हैं तो 4x होता है, और 4 + x करते हैं तो 4 + x ही रहता है। तो यानी आपको कॉमन सेंस लगाओ कि मल्टीप्लाई डिवाइड ना बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज मीन सिंगल टर्म बना देता है वो, और प्लस माइनस दूरियां बढ़ा देता है वो, दो अलग अलग काउंटिंग हो जाती है इसकी,
ठीक है, अगर आप पदों को काउंट करते हो तो दो पद आपको मिलेंगे, यहाँ पदों को काउंट करते हो तो एक ही पद बोला जाएगा एक टर्म, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई हो दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है लेकिन प्लस दिख रहा है ना, ध्यान रखना मल्टीप्लाई डिवाइड कभी दिखता नहीं जल्दी से, क्योंकि वो बहुत क्लोज है ना इसलिए दिखता नहीं है, डिस्टेंस तो प्लस माइनस दिख जाता है। तो यहाँ पर 3 9 से कैंसिल नहीं होगा, 3 9 से कैंसिल नहीं होगा, 9 81 से कैंसिल नहीं होगा, कोई किसी से कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो 9 अपॉन 3 3 9 के अपॉन में ही है, सबके अपॉन में, ठीक है, तो सबको एक सोल्व पहले सोल्व करना पड़ेगा। अब ऊपर की बात करते हैं तो देखो ये मल्टीप्लाई प्लस प्लस, तो पहले मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वालों को सोल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा 9 7 63 12 2 24 प्लस 3 अपॉन ये होगा 12 36 प्लस, यहाँ डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ डिवाइड किया तो 9 9, अब इसको प्लस कर लो सबको, किसी ने बोर्ड मास के रूल को थोड़ा सा भी छेड़ दिया, थोड़ी सी भी गलती कर दी ना, तो 2 कभी नहीं मिलेगा उसको, पता नहीं क्या मिलेगा फिर तो उसको, ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करना है तो देखो डिवाइड भी है और प्लस भी है, तो पहले किसको सॉल्व करना है, डिवाइड, इन दोनों डिवाइड को। अब देखो ऐसा नहीं कि इस कौन से डिवाइड को, दोनों डिवाइड भी एक साथ कर सकते हैं अपन, और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप इसको इंडिविजुअल सॉल्व करो, उसको इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं, 840 में 120 को डिवाइड करते हैं तो आएगा 7, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये 60, तो 567, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड मास लग रहे हैं, बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस माइनस, ठीक है, और ट्रांसपोज में क्या होता है, पहले प्लस माइनस फिर मल्टीप्लाई डिवाइड और फिर ब्रैकेट, उल्टा हो गया बस, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल उल्टा करना है। चलिए इनको सॉल्व करना है, अब आपको पता है प्लस 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 सारे पॉजिटिव है, सब प्लस हो जाएंगे तो ये हो गया 7 2 9, 9 -15 प्लस माइनस माइनस होता है तो 15 में से 9 गए तो 6, साइन किस करेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी, माइनस की, ऐसे देखो 15 के तो घूम रहे हैं 9 पे मिल रहे हैं, तो हुआ तो नुकसान ही ना, इसलिए साइन नुकसान वाला लग गया। चलिए नेक्स्ट माइनस माइनस वालों को प्लस कर लो एक साथ, तो -3 -2 -1 कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस का 6, वो प्लस का 6 बैलेंस हो गया, 0 हो गया, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करते तो पहले सबको मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 और 6 3 18, और साइन की बात करते हैं तो माइनस से माइनस करके लेकिन एक माइनस ले जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 18। ओके थैंक यू। ये था बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन जो सबको आनी चाहिए, वो चाहे ऐसे 5th क्लास का बच्चा हो, चाहे 10th का हो, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे बैंक लेवल का हो, ठीक है, ये कैलकुलेशन आनी ही आनी चाहिए। इस कैलकुलेशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।